नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ईश्वरा मिस्ट्री। दोस्तों, वैसे तो आपने कई सारे ऐतिहासिक शिप्स देखे होंगे और उसके बारे में जानते होंगे, तो दोस्तों आज हम एक ऐसे ही शिप के बारे में बात करने वाले हैं जिस पर बनी हुई मूवी ने ऑस्कर के साथ साथ और कई बड़े फिल्म जगत के अवार्ड्स को भी अपने नाम किया है। जी हाँ, हम बात करेंगे वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस टाइटैनिक शिप के बारे में, जिस पर हॉलीवुड में बनी टाइटैनिक फिल्म आज भी कई लोगों की फेवरेट मूवी है। तो चलिए जानते हैं टाइटैनिक शिप के मिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, आपको टाइटैनिक डूबने के इतिहास के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन आज हम उसे बाहर निकाले जाने वाले कई असफल प्रयासों के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, उस समय की सबसे जायंट शिप टाइटैनिक को बनाने का काम एक अमेरिकन कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने 3000 लोगों की टीम द्वारा 31 मई 1909 में शुरू किया और टीम की कड़ी मेहनत से इसे सिर्फ 26 महीनों में यानी कि 31 मई 1911 के दिन समंदर में सफर के लिए तैयार कर दिया गया। और दोस्तों, आज से 100 साल पहले इसे करीब 35 करोड़ 70 लाख की लागत से बनाया गया था। दोस्तों, एक कमाल की बात तो ये है कि टाइटैनिक शिप को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ये शिप समंदर के सफर के दौरान कभी नहीं डूबेगा, लेकिन टाइटैनिक अपनी पहली जर्नी भी पूरी नहीं कर पाया और 15 अप्रैल 1912 के दिन समंदर में डूब गया। यहाँ पर चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इस शिप के डूबने के 73 साल तक किसी को ये भी पता नहीं था कि ये जहाज प्रशांत महासागर की कितनी गहराई में डूबा हुआ है। लेकिन 1985 में साइंटिस्टों ने रिसर्च करके पता लगाया कि ये शिप कितनी गहराई में डूबा हुआ है। फिर भी इस हिस्टोरिकल शिप को क्यों आज तक बाहर नहीं निकाला गया दोस्तों? तो दोस्तों, बात है 15 अप्रैल 1912 की, जब ये जहाज पानी में डूबा था। लेकिन बाद में रिसर्च करने के लिए 1 सितंबर 1985 में एक आर्कियोलॉजिस्ट रॉबर्ट बेलार्ड टाइटैनिक शिप को खोजने निकल पड़े और उनकी कड़ी मेहनत के बाद उन्हें टाइटैनिक की लोकेशन के बारे में पता चला कि वो पानी में कहां और किस हालत में है, जिसके बाद टाइटैनिक के कुछ ऐसे राज बाहर आए जो आपके होश उड़ा देंगे। तो दोस्तों, टाइटैनिक ऑफिशियल एविडेंस की रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया कि 14 अप्रैल 1912 को करीब रात के 11:40 पर यह शिप बर्फीली चट्टान से टकराई थी, जिसकी वजह से टाइटैनिक के निचले हिस्से में एक बड़ा सा छेद हो गया था और उसके कारण सारा पानी शिप में भर गया। इसी वजह से तकरीबन रात के 2:20 पर यह शिप पानी में पूरी तरह से डूब गया था। दोस्तों, इसे कई बड़ी कंपनियां साइंटिस्टों की मदद से बाहर निकालना चाहती है, लेकिन कुछ समस्याओं की वजह से इसे बाहर नहीं निकाला गया, जैसे कि उसका वजन और पानी का दबाव। टाइटैनिक जहां बर्फ की चट्टान से टकराने से गिरा, वहां पे पानी की गहराई बहुत ज्यादा होने की वजह से मात्र 1 फीट चीजों को बाहर निकालने के लिए तकरीबन 392 किलो न्यूटन फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो टाइटैनिक जैसे बड़े जहाज को बाहर निकालने के लिए जितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी, उतनी पावरफुल मैग्नेटिक सबमरीन साइंटिस्ट आज तक नहीं बना पाए हैं। इसीलिए टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए साइंटिस्टों ने और भी कई सारे प्रयास किए, जिनमें से एक है पिंग पोंग बॉल्स। सुनने में ही बहुत अजीब लगता है कि इन छोटी छोटी बॉल्स से इतने बड़े शिप को कैसे बाहर निकाला जा सकता है। तब साइंटिस्टों ने बताया कि अगर इन बॉल्स को जहाज के अंदर डाल दिया जाए तो ये पानी के प्रेशर की वजह से टाइटैनिक को समंदर तल से ऊपर की ओर खींच पाएंगे और उसके बाद मैग्नेटिक सबमरीन की मदद से इसे बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन ऐसा करने के पहले प्रयास में ही सभी पिंग पोंग बॉल पानी का इतना प्रेशर नहीं झेल पाए और पहले ही फट गए। तब साइंटिस्टों ने लाखों बलून्स की मदद से टाइटैनिक को बाहर निकालने का दूसरा विचार आया कि शिप के साथ हजारों लाखों बलून्स में हीलियम गैस भर के इस शिप के साथ बांध दिए जाए तो ये बलून्स टाइटैनिक को ऊपर की ओर खींचेंगे, जिसकी वजह से टाइटैनिक को बाहर निकाल पाएंगे। लेकिन ये आइडिया तब फ्लॉप हो गया जब ये सोचा गया कि इन लाखों बलून्स में पानी के अंदर हीलियम गैस कैसे भरी जाएगी। इसके अलावा एक और असफल प्रयास किया गया, जिसे अमेरिका के एक इंजीनियर जॉन पियरे ने अपनी रिसर्च से पता लगा के साइंटिस्टों को ये सुझाव दिया कि अधिक मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से टाइटैनिक को बाहर निकाला जा सकता है।
जिसका साइंटिफिक रीजन ये था कि बर्फ की डेंसिटी पानी की तुलना में कम होती है, जिसकी वजह से बर्फ पानी पर तैरती है। और साइंटिस्ट के मुताबिक जिस जगह पर टाइटैनिक डूबा है वहां पर पानी को बर्फ के रूप में तब्दील किया जाए तो टाइटैनिक पानी के ऊपर आ जाएगा। लेकिन ब्रिटिश गैस कंपनी BOC के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में करीब आधे मिलियन टन नाइट्रोजन लिक्विड की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से एक और मुसीबत खड़ी हो गई। वो ये थी कि पानी के गहराई में इतने टन लिक्विड नाइट्रोजन कैसे लेकर जाए। इसी वजह से ये प्रयास भी असफल हो गया। उसके बाद कई कंपनियों ने टाइटैनिक को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा खर्चीला होने की वजह से आज तक टाइटैनिक को कोई बाहर नहीं निकाल सका। इसी वजह से ये आज भी पानी के अंदर मौजूद है। तो दोस्तों, टाइटैनिक फ्यूचर में जब भी बाहर निकाला जाएगा तो उसका एक हिस्टोरिकल महत्व होगा, जिसकी वजह से हमें इस शिप के बारे में और भी कई रहस्यमय जानकारी जानने को मिलेगी, और उसकी वैल्यू भी उतनी होगी जितनी हमने सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ अनसुनी बातें टाइटैनिक के बारे में। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमय जगहों के बारे में जानना अच्छा लगता है तो हमारी YouTube चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद।